न्यूली मैरिड कपल नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहद आलीशान तरीके से बिता रहे हैं। 24 अक्टूबर के दिन नेहा और रोहन प्रीत शादी के बंधन में बंधे थे। जहां एक ओर अपनी शादी को लेकर चर्चा बटोरते हुए नजर आए, वहीं दूसरी ही ओर बीते कुछ दिनों पहले ही नेहा ने जमकर आलोचनाओं का सामना भी किया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों पहले ही नेहा कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें नेहा बेबी बम फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई। हालांकि बाद में नेहा ने खुलासा कर दिया कि ये उनकी न्यू अपकमिंग म्यूजिक वीडियो एल्बम का पोस्टर है। इस तस्वीर को देखते ही कयास लगाना शुरू हो गया था कि नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह पेरेंट्स बनने वाले हैं। लेकिन अब रोहन प्रीत सिंह ने नेहा कक्कड़ के साथ रिश्ते को लेकर एक दर्द भरा खुलासा किया है। दिल जीत लेने वाली बातें कही हैं रोहन प्रीत सिंह ने। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहली बार रोहन प्रीत सिंह नेहा कक्कड़ के साथ रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर पहुंचे हैं। यहां पर नेहा और रोहन प्रीत मंच पर शादी की थीम पर आधारित स्पेशल एपिसोड में नजर आने वाले हैं, जहां एक और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट से तस्वीरें। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि शो में रोहन प्रीत ने अपने अनुभव को शेयर किया है और बताया है अपनी पत्नी नेहा कक्कड़ के बारे में। शो में रोहन प्रीत सिंह ने कहा है कि ये सबसे बड़े स्टेज में से एक है और मैं अपनी पत्नी नेहा के कारण यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मुझे नेहा पर इतना गर्व महसूस होता है कि वह किसी भी चीज को छूती है तो वो सोना बन जाती है। मैं वास्तव में खुश हूँ कि वह मेरे साथ है। और इस तरह से रोहन प्रीत सिंह ने नेहा कक्कड़ के साथ रिश्ते को लेकर ये दर्द भरा खुलासा किया और साथ ही साथ बताया कि वह काफी खुशकिस्मत हैं कि नेहा कक्कड़ उनकी जिंदगी में आई। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।